रामभ का है, उसी ने तीर चुराया था। ये तीर तो स्वयं जरा ने रखा था शाम के कक्ष में। जरा सांब भूल तुम दोनों से हुई है, इसीलिए दंड भी उसी के अनुसार मिलेगा, किंतु ये दंड मैं नहीं अपितु कान्हा अर्थात स्वयं द्वारकाधीश सुनाएंगे। यहां इस सभा में और कोई वाद विवाद नहीं होगा, सबके सब शांति से कान्हा की प्रतीक्षा करेंगे, चाहे उसका निर्णय जो भी हो, उस निर्णय को स्वीकार कर इस समस्या का यही समाधान कर देंगे। इसीलिए इसके पश्चात अब इस सभा में कोई भी किसी पर कोई आरोप नहीं लगाएगा। कहां हो तुम कान्हा? शीघ्र आओ, इस समस्या को अब एकमात्र तुम ही सुलझा सकते हो। चलो, देवी सरस्वती से जो तुमने कामना की थी वो तो पूर्ण हो गई। मुझसे पूर्व पृथ्वी लोग छोड़कर चले गए रहते, अब समय आ गया है उस कामना के पूर्ण होने का जो मैंने देवी सरस्वती से की थी। राधा यदि चाहे तो मेरी बांसुरी अपने संग ले जाए। तथास्तु। हर क्षण मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी जब मैं तुमसे मिलूंगा राधे। तुम नहीं हो भला किसके लिए है बांसुरी बजाऊं मैं? अपने पास भी इसे रख नहीं सकता। इसमें तुम्हारे असीम प्रेम की शक्ति है राधा, और जब तक ये बांसुरी मेरे साथ रहेगी इस संसार का कोई भी शस्त्र मेरा अंत नहीं कर पाएगा। तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाई हो। मैं हूं अगर चाहे परिस्थितियां सम हो या विषम, किंतु मैंने कृष्ण की बांसुरी के प्रत्येक स्वर में केवल प्रेम का रहस्य अनुभव किया है। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संसार के सबसे बड़े संकट भी टल गया हो। श्री कृष्ण की बांसुरी कोई वाद्य नहीं, अपितु इस ब्रह्मांड के लिए प्रेम और शक्ति का स्रोत है। किंतु आज के पश्चात कोई भी कृष्ण की बांसुरी की ये दिव्य धुन नहीं सुन पाएगा। देवी राधा के ये संसार त्यागने के कारण मेरे आराध्य श्री कृष्ण ने ये निर्णय लिया है। चाहे श्री कृष्ण किसी से अपना ये दुख व्यक्त ना कर पाए, किंतु श्री कृष्ण की ये पीड़ा हम समझते हैं और जानते भी हैं। और सत्य तो ये है महादेव कि कृष्ण आप कभी भी बांसुरी बजाने के लिए सज्जन नहीं होंगे। नहीं गौरी, मेरे आराध्य श्री कृष्ण पुनः अपनी बांसुरी अवश्य बजाएंगे, मैं वचन देता हूं। ये तुच्छ जरा समझता क्या है स्वयं को? एक बार मैं मुक्त हो जाऊं फिर बताता हूं उसे। काम, ये मंद मंद आवाज में क्या बोल रहे हो? यदि साहस है तो जो भी कहना है मेरे मुख के सामने कहो, या चोरों की ही भांति ये धीमी धीमी वाणी में बोलना आरंभ कर दिया है। जरा तुम पुनः अपनी मर्यादा मत लांघो।
शांति। पिताश्री, बहुत ही अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गए। मैं कब से आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। देखिए, ये जरा किस भांति मुझ पर कब से अनुचित आरोप लगा रहा है। समस्त घटनाक्रम से मैं परिचित हूँ, किसी को कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। न्याय चाहते हो आप दोनों, न्याय होगा। समस्त विवाद का जड़ तुम्हारा वो तीर है जरा, तो तीर तुम्हें प्राप्त हो चुका है, उसे लेके द्वारका से दूर चले जाना। और जाने से पूर्व रुक्मिणी और लक्ष्मणा से क्षमा मांगना। क्रोध में दृष्टिहीन होकर तुमने उनका अपमान किया है। और वचन देना कि आज के पश्चात तुमसे ये भूल कभी नहीं होगी। और संग तुमने जरा का तीर चुराया है, चोरी की है तुमने। आज के पश्चात कभी भी जरा के पास मत जाना। और इस कृत्य के दंड स्वरूप तुम्हें एक दिन का कारावास भोगना होगा पुत्र। प्रावधान साहब, कुछ भी कहने से पूर्व इतना स्मरण अवश्य रखना कि तुम मात्र अपने पिताश्री के समक्ष नहीं अपितु द्वारकाधीश के भी समक्ष खड़े हो, और उनके विरुद्ध कहकर तुम द्वारकाधीश के न्याय पर भी प्रश्न उठाओगे। सैनिकों, रुक्मिणी, लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए। क्रोध के आवेश में आकर मैंने आप दोनों के साथ दुर्व्यवहार किया। हे श्री कृष्ण, आप भी मुझे क्षमा करें। मैं आपको वचन देता हूं कि आज के पश्चात ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। मेरे साथ आओ साम, तुम्हारे कारावास का समय अभी इसी क्षण से आरंभ होता है। श्री कृष्ण के इस न्याय के पीछे कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य छुपा है, किंतु ऐसा क्या हो सकता है।